दिग्गज घोटाले मामले में तत्कालीन डीजीएम राजीव खेड़ा को जमानत मिल गई है। न्यायाधीश लीना अग्रवाल की कोर्ट में सुनवाई के बाद उन्हें 2 लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी गई है। कल जमानत पर सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों में जोरदार बहस हुई थी। बहस के दौरान गोलबाजार पुलिस ने राजीव खेड़ा की जमानत पर विरोध भी किया। सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था, जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए उन्हें जमानत दे दी। वहीं कोर्ट ने जमानत देते हुए यह कहा कि वो गोलबाजार पुलिस को जांच में पूरा सहयोग करेंगे और साक्ष्य मिटाने की कोई कोशिश नहीं करेंगे।